हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन लाभानी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लाभानी का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसमें थोड़े अक्षर दिखने में और थोड़ी आवाज में थोड़ी समस्या थी। आज अक्षर मैं थोड़े बड़े लिख देता हूँ, और भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देना। रही बात कल जो आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा उसको एक तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। तो पार्ट सेकंड में अपन क्या पढ़ेंगे, करण मूल्य और विक्रय मूल्य जो होगा वो केवल वस्तु के रूप में होगा। एक अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे मिश्रण के टाइप पे कि एक व्यक्ति ने दो प्रकार की गेहूं खरीदे, चावल खरीदे, उनको मिलाकर इस भाव से बेचता, तीन प्रकार के खरीदे उनको मिलाकर इस भाव से बेचता, या किस भाव से बेचे कि उसे इतने परसेंट का लाभ हो या हानि हो। इसी में अपन वस्तु वाले में पढ़ लेंगे, इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि की प्रतिशतता कितनी है। इसी में अपन पढ़ेंगे एक बेईमान दुकानदार है, चाहे चावल चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो वह एक ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोले कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो। तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। कल अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड जिसमें अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि ये पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें अंकित मूल्य और बटे से संबंधित क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो आज अपन बात करते हैं लाभ हानि के पार्ट सेकंड की, जिसके 30-35 क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ऐसा बनेगा कि पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहां अपने पास क्रय मूल्य कितनी वस्तु है, पांच वस्तु, और विक्रय मूल्य है छह वस्तु। मैंने सबसे पहले लाभ पानी की शुरुआत की थी उसमें सबसे पहले बताया था कि जब वस्तु को रुपए में बदलना हो, वस्तु को किस में बदलना हो, रुपए में बदलना हो, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख देना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के स्थान पर लिख देना। क्यों लिखते हैं ऐसा, देखो अगर कोई आपसे ये कहे कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो यहां इनकी कीमत जितनी होगी, दो वस्तुओं का क्रय जितना होगा तीन वस्तुओं का विक्रय भी उतना ही होगा, तो दो और तीन से मिलने वाले आंकड़े कौन है, छह। जैसे इनकी कीमत मैं ₹6 मान लूं तो तीन वस्तुओं की कीमत भी ₹6 होगी। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹6 है तो तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, ₹6 होगा। यहाँ एक वस्तु की कीमत हुई ₹3 और यहाँ एक वस्तु की कीमत हुई ₹2। इसलिए दोस्तों सबसे पहले एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी वस्तु को रुपए में बदलना हो या रुपए को वस्तु में बदलना हो तो इन दोनों को परस्पर चेंज कर लेना, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख देना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के स्थान पर लिख देना। ये रुपए में बदला जाएगा और जैसे रुपए में बदला जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि लाभ होगा या हानि होगी। यहां इसका क्रय मूल्य ₹3 है और विक्रय मूल्य ₹2 है तो निश्चित है कि कोई आदमी ज्यादा रुपए में खरीद कर उससे कम रुपए में अगर बेचेगा तो उसे क्या होगी, हानि होगी। हानि कितने रुपए की होगी, तीन में खरीद कर दो में बेचेगा तो ₹1 की हानि होगी। और रुपए में हमेशा हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, और वस्तु में हमेशा विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ ₹1 की हानि हुई तीन पर, परसेंट में बताने के लिए गुणा 100, 300 को काटेगा कितनी बार, 33 बार, 33 99 बच गया एक और बटे में था तीन, तो कितने परसेंट की हानि होगी, 33 से ही 1/3% की। जैसे अपना क्वेश्चन था कि पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय कितनी वस्तु है, पांच वस्तु है, और विक्रय कितनी वस्तु है, छह वस्तु है, तो आप इसको कैसे बताओगे, सबसे पहले इसको रुपए में बदलना है, इस विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे लिख दो, ₹6 में खरीदा और बेचा इसने ₹5 में। अगर कोई आदमी ₹6 में खरीद कर उससे ₹5 में बेचे तो निश्चित है उसे क्या होगी, हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, ₹1 की हानि होगी, किस पर होगी, छह पर, और परसेंट में अगर बदलना है, कोई भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलते हो तो किससे गुणा करते हो, 100 से, तो इस भिन्न को आप 100 से गुणा कर देना, दो से काटो तीन बार, ये 50 बार, 50 में तीन का पाड़ा कितनी बार बोलूं, 16 बार, 16 3 48 बच गए, उसको ऊपर लिखते हैं कितने बचे, 2 बचे, बाहर जिसका दिया था उसको नीचे रखते हैं तो कितने परसेंट की हानि होगी, 16 से 2/3% की। अब अपने से एक चीज और पूछ सकता है, पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य
कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो कि उसे 16 से ही 2/3% की क्या हो, हानि हो। काम का क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला काम अपने को वस्तु को रुपए में बदलना है। क्रय कितनी वस्तु है, 5 वस्तु है। यहां विक्रय कितनी वस्तु है, वही कुछ तो मान ले एक्स वस्तु मान ले, तो क्रय कितने रुपए होगा, एक्स रुपए होगा, और विक्रय कितने रुपए होगा, 5 रुपए होगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है, 5 वस्तु इसने खरीदी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए, और एक्स वस्तु इसने बेची तो क्रय मूल्य हो जाएगा एक्स रुपए। अब सबसे बड़ी बात, अपना जो लाभ और हानि है उसकी भिन्न बना लेना। 16 से 2/3, 16 का पढ़ा, 100 तक कितनी बार भरूं, 6 बार। मतलब आप इसकी देखो साधारण भिन्न बनाते हो, ये परसेंट हटाते हो, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, 1/6 बनेगी। तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा था कि कोई भिन्न अगर 16 से 2/3 है तो 16 से 2/3% है तो उसको क्या पढ़ोगे, 1/6। ध्यान रखना 16 से 2/3% हानि में और 1/6 हानि में कोई फर्क है नहीं है। यहाँ हानि कितने की हुई, 1 की। कितने पर हुई, 6 पर हुई, तो 6 पर 1 की हानि हुई, तो 6 की चीज आपने बेची कितने में, 5 में। क्रय मूल्य 6 इकाई था और विक्रय मूल्य कितने इकाई था, 5 इकाई था। 5 इकाई का मान 5 रुपए, तो 6 इकाई का मान 6 रुपए। ये 6 रुपए यहाँ रखेंगे तो वहां जाके 6 वस्तु बन जाएगी। तो बोलो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। देखते हैं अपने इसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, वस्तुओं का क्रय मूल्य। सबसे पहले क्रय मूल्य दे रखा है तो आप क्रय लिख दो, क्रय मूल्य कितनी वस्तु है, 15 वस्तु है। फिर कौन सा मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय लिख दो, कितनी वस्तु है, 12 वस्तु है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्रय और विक्रय कभी वस्तु में नहीं होने चाहिए, इसको रुपए में बदल दो, या पैसा भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो कि कोई आदमी अगर 15 वस्तु खरीद कर उसी मूल्य पर 12 वस्तु बेचेगा तो उसकी 3 वस्तु बच जाएगी। और वस्तु में हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर होता है, तो 3 वस्तु बची तो उसे निश्चित लाभ होगा। भाई यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी 15 वस्तु खरीद रहा है और उसी मूल्य पर 12 वस्तु बेच रहा है, सही तरीका है। तो यहाँ 3 वस्तु बची, बचने का मतलब क्या हुआ, लाभ। ये 3 का लाभ कब होगा, जब 12 वस्तु बेचेगा तभी होगा, नहीं तो दुकान में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। तो 3 वस्तु का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 12 पर हुआ, तो बटे 12, परसेंट में बताने के लिए गुणा 100, 3 से काटो ये कितनी बार कटा, 4 बार, 4 100 को काट देगा कितनी बार, 25 बार, तो उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। आप इसको रुपए में बदलते तो 12 रुपए में खरीदते और उसे 15 रुपए में बेचते तो तरीका वही था, 3 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 12 पर हुआ, परसेंट में बताने के लिए वही तरीका गुणा 100। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास दोबारा आ जाए तो आप ऐसे पढ़ना, कोई आदमी 15 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है तो निश्चित है 3 बच गई, तो बच गई तो क्या हुआ, लाभ हुआ, किस पर होगा, 12 बेचेगा उस पर होगा, तो बट्टा 12, परसेंट में बताने के लिए गुणा 100। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कभी दिखाई दे तो आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है अपनी 18 वस्तु 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, 18 खरीद रहा है और 20 बेच रहा है, तो ज्यादा गई, ज्यादा गई, कितनी ज्यादा गई, 2 ज्यादा गई। ज्यादा जाने का मतलब क्या होगा, हानि होगी। 18 खरीदा उसने और 20 उसने बेच दिया तो 2 ज्यादा गई, ज्यादा की चली क्या होगा, हानि होगी। ये 2 की हानि किस पर होगी, 20 पर होगी, और परसेंट में बताने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बोलिए उसे कितने परसेंट की हानि होगी, 10% की क्या होगी, हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितनी वस्तु है, 40 वस्तु है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, 40 वस्तु कोई खरीद के ला रहा है और उसकी जगह उसको 50 वस्तु बेचनी पड़ रही है, तो ज्यादा बेच रहा है, ज्यादा के लिए उसे क्या होगी, हानि होगी। कितनी वस्तुओं का नुकसान हुआ, 10 का। ये 10 वस्तुओं का नुकसान कब होगा, जब 50 बेचनी पड़ेगी तब होगा, 40 खरीदने से हानि नहीं होगी। जब उसको 50 उसी 40 के मूल कीमत पर 50 बेचनी पड़ी तो 10 उसकी गई, कितने पर गई, 50 पर गई, परसेंट में बताना है गुणा 100। 50 100 को काट देगा कितनी बार, 2 बार, और 10 को 2 से गुणा करूं तो कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की क्या हुई, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
200 केलों का क्रय मूल्य 250 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 200 केले खरीद रहा है और उसकी जगह उसको 250 केले बेचने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा बेचा। ज्यादा बेचने का मतलब क्या हुआ, वही हानि हुई। कितने ज्यादा बेचा, 50 केले ज्यादा बेचा, तो 50 की हानि किस पर होगी, 250 पर होगी, ना कि 200 पर होगी। तो 250 परसेंट में बताना है, क्योंकि लाभ हानि किसने पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो गुणा 100, जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से 100 को काटेगा कितनी बार, 4 बार, 5 का 4 गुणा कितना होगा, 5 चौके 20, तो उससे 20% की क्या हुई, हानि हुई। ये तो तापड़ा। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों वस्तु के रूप में दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों वस्तु के रूप में दे रखा है, इनके अलावा क्वेश्चन और बढ़ता है। अगले जो टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें एक बेईमान दुकानदार होगा, और बेईमानी कैसे करता है, कम तोलता है। जैसे एक बेईमान दुकानदार चाहे चीनी चावल जो भी है उसको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक किग्रा के स्थान पर वो मान लीजिए 600 ग्राम ही तोलता है, तो एक किग्रा के स्थान पर तोलता है, तोलने का मतलब बेच रहा है, कितने ग्राम बेच रहा है, 600 ग्राम बेच रहा है, लाया कितना था, एक किग्रा। ध्यान रखना विक्रय मूल्य ग्राम में है तो क्रय मूल्य भी ग्राम में होना चाहिए। विक्रय मूल्य 600 ग्राम है तो लाया कितना, एक किग्रा। एक किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते, तो उसने खरीदा कितना था, एक किग्रा 1000 ग्राम खरीदा था, और बेचा कितना, 600 ग्राम बेचा। तो बोलो ये वस्तु है रुपए, वस्तु है, और वस्तु को रुपए में कैसे बदलोगे, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की जगह और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य की जगह। या अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन है, कोई आदमी 1000 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम बेचना चाहे तो निश्चित है उसके 400 ग्राम बचे, कितने ग्राम बचे, 400 ग्राम। भाई एक किग्रा का क्रय मूल्य 600 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक किग्रा के स्थान पर कोई 600 ग्राम तोल रहा है तो 400 ग्राम बचा रहा है। ये 400 ग्राम कब बचेगा, एक किग्रा खरीदने पे नहीं बचेगा, जब वो 600 ग्राम तोलेगा तब बचेगा। तो 400 ग्राम का लाभ हुआ किस पर हुआ, 600 ग्राम पर हुआ। तो बट्टा 600 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको अगर मैं 2 से काटू तो 2 × 2 = 4, और 6 को 2 से काटू तो 2 × 3 = 6, ये हुआ 200/3। 200 में 3 का भाग 2 तो 3 × 6 = 18, 2 × 20, 3 × 6 = 18, बच गया 2/3। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ उससे, 66.2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वह एक किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम तोले कि उसे 66.2% का लाभ हो, लेकिन उससे पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो। एक बार आपसे पूछा है, एक बेईमान दुकानदार है चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो वह एक किग्रा के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तोलता है, तो 400 ग्राम बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, 400 ग्राम जब वो बचा रहा है तो कितने पर बचा रहा है, 600 ग्राम तोल रहा है तभी तो उसे 400 ग्राम बचेगा। तो बट्टा 600 परसेंट में बताने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे ये 2 बार, 2 से काटेंगे ये 3 बार, 200/3, 200/3 का अर्थ हो जाएगा 66.2% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। अब देखो इसी से अपन एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे वहां भी अपन ने बनाया था कि एक बेईमान दुकानदार चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो वह एक किग्रा के स्थान पर मतलब कितने ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर खरीदा, एक किग्रा खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा, तो कितने ग्राम तोले, तो यहां 25 ग्राम तोलेंगे, एक किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम तोले कि उससे 66.2% का क्या हो, लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। तो सबसे पहले ग्राम को बदल दो रुपए में, वस्तु को रुपए में बदलना, बोलो खरीदा कितने रुपए में, x रुपए में, और बेचा कितने रुपए में, 1000 रुपए में। क्वेश्चन वही है लेकिन वस्तु के रुपए बढ़ा दिए, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की जगह, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य की जगह। अब उस लाभ की भिन्न बनाकर अनुपात में क्रय और विक्रय लिख दो, इनको वजन गुणा कर दो, x का मान आ जाए, वही अपना आंसर है। बोलो खरीदा कितना था, 1000 ग्राम, बेचा कितना, 100 ग्राम, तो खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में, बेचा कितने रुपए में, 1000 रुपए में, तो उससे 66.2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस लाभ की भिन्न बनाकर इन दोनों का अनुपात बनाना और इनको वजन गुणा करना है, x का मान आ जाए वही अपना आंसर है, चाहे यहाँ है चाहे वहां है। तो इसकी भिन्न बनाओ, 66 का 3 गुणा हुआ 198 और 2 हुआ 200/3 था, ये परसेंट अगर हटाऊं तो बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां पर इसको पढ़ेंगे, 2 का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर, तो 3 की चीज बिकी कितने में, 3 × 2 = 5 में। इनको आप जब वजन गुणा करोगे तो x गुणा 5 बराबर, बोलो 3 गुणा
1000, जब 5 1000 को काटेगा तो 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो बच गई, 200 को 3 से गुणा करूं तो x बराबर कितना आया 600। तो बोलो चाहे 600 यहां रखो चाहे वहां रखो, तो एक ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलेगा, 600 ग्राम तोलेगा। तो देखो ऐसे में 4-5 क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो आप क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हो। पहले तो वो खरीदे और बेचे, ऐसा हो सकता है कितना खरीदा कितना बेचा।